मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान का ब्लूप्रिंट कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राजनीतिक मामलों की उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में खास तौर पर बड़े नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की प्रदेश भर में होने वाली जनसभाओं पर चर्चा की गई। प्रियंका गांधी 22 जुलाई को ग्वालियर में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करने जा रही है, जो उनके निशाने पर बीजेपी होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। कांग्रेस की तैयारियों से जानकारों को लगता है कि इस बार राज्य की सत्ता पर कांग्रेस वापसी करने वाली है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अब मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर से कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज कर चुकी हैं। अब वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर आने वाली है। प्रियंका के ग्वालियर दौरे की तारीख भी तय हो चुकी है। प्रियंका 22 जुलाई को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सभा करेंगी। प्रियंका यहां सभा करके पूरे ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद यह पहला मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य ग्वालियर चंबल में बड़ी सभा करेगा। ग्वालियर को सिंधिया का गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ पर प्रियंका की नजर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में जबरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद यहाँ के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।